अगर आपने अभी तक निर्जा की रसोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ दाल ढोकली। आपने वैसे दाल ढोकली तो खाई होगी, राजस्थानी ढोकली, गुजराती ढोकली। आज मैं आप लोगों को खिलाने वाली हूँ बिहारी ढोकली। तो ढोकली बनाना बहुत ही इजी होता है और इसमें कम से कम ऑयल का यूज़ होता है और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें हमको दाल ढोकली खाने से सारे विटामिन्स मिल जाते हैं और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे हमें फैट जो है, फैटी हम नहीं हो सकते हैं और हमारी बॉडी फिट रहती है क्योंकि हमें सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। तो आज देखिए, हम आपको दाल ढोकली बनाने के लिए, देखिए हमने तूर की दाल या अरहर की दाल ली है और इसको वॉश कर लिया है। वॉश करके हमने इसको रखा हुआ है। अब हम गैस के पास चलते हैं। दाल ढोकली बनाने के लिए देखिए, हमने एक कुकर लिया हुआ है और इसको गैस के ऊपर चढ़ा दिया है और इसमें ये देखिए, हम दाल को कुकर के अंदर डाल देते हैं। ये सारी दाल जो है हमने इसके अंदर डाल दिया है कुकर के अंदर। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, 2 गिलास इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे और नमक डालेंगे और बॉईल होने के लिए चढ़ा देते हैं। इसमें देखिए, इच्छा अनुसार हम नमक ऐड कर देते हैं और हल्दी पाउडर इसमें डाल देते हैं। और कुकर के ढक्कन से सीटी हटा देते हैं और इसको बॉईल होने देते हैं, दाल को उबलने देते हैं। जब तक दाल हमारी उबलती है तब तक हम आटा तैयार कर लेते हैं। ढोकली बनाने के लिए देखिए, हमने गेहूं का आटा लिया हुआ है और ये 1 कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया हुआ है और इसमें हल्का सा हम नमक डाल देंगे और 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद एक अच्छा सा डो, सॉफ्ट डो, रोटी जैसा डो तैयार कर लेते हैं। चलिए हम इसको, आटे को सान लेते हैं और एक रोटी जैसा डो तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमने एक सॉफ्ट आटा सान कर तैयार कर लिया है और जैसे आटा हम वैसे ही तैयार करते हैं, जैसे कि हम रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के लिए जैसा आटा हम तैयार करते हैं वैसे ही हमने आटा तैयार कर लिया है। चलिए, आटा हमारा तैयार हो गया है, अब हम इससे ढोकली बनाते हैं। सबसे पहले हम आटे की छोटी छोटी लोइयां तैयार कर लेते हैं। थोड़ा आप ऑयल भी लगा सकते हैं या फिर आप सूखा आटा भी लगा सकते हैं। इसकी छोटी छोटी लोइयां तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमने लोइयां बनाकर तैयार कर लिया है। अब देखिए, इस लोई को इस तरह से लेना है और थोड़ा सा इसमें आप ऑयल लगा सकते हैं या फिर सूखा आटा, फिर इसका एक छोटा सा इसको इस तरह से करना है। ये देखिए, और ढोकली कई तरह की बनती है। ये देखिए, हम 3 टाइप की आपको सिखाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह से, ये देखिए, इसको हम प्लेट में रख लेते हैं, फिर इसी तरह से, ये देखिए, ये आप स्क्वायर में भी बना सकते हैं और ये जैसे ट्रायंगल, ये जो 4 हैं, 3 हैं, तो आप 4 वाले भी बना सकते हैं।
तो अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग तरह की ढोकली बनाते हैं, तो आपका जैसा मन हो आप उस तरह की ढोकली बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस टाइप की ढोकली बनाने से अच्छा होता है कि इसके अंदर दाल चली जाती है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। ढोकली बनकर देखिए तैयार हो गई है और हमने सारी ढोकलियाँ इस तरह की बना ली है। अब हम गैस के पास चलते हैं। दाल देखिए हमारी खौल गई है। अब हम इसमें एक एक करके ढोकली डाल देते हैं। सारी ढोकली इसमें डाल देते हैं और एक अच्छा उबाल आने देते हैं। ये देखिए इसमें हमने सारी ढोकलियाँ डाल दी हैं और एक अच्छा उबाल आ जाएगा। फिर हम कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और एक सीटी बजा लेते हैं। ये उबाल आ गया है और हम कुकर का ढक्कन लगाकर एक सीटी बजा लेते हैं। एक सीटी बजने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। उसके बाद इसका हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का लगाने के लिए देखिए हमने एक पैन गरम कर लिया है और इसमें हमने आप चाहे तो कड़वा तेल भी डाल सकते हैं या फिर आप देसी घी भी डाल सकते हैं। तो इसको मैं फ्राई देसी घी में कर रही हूँ। ये देखिए ऑयल हमारा गरम हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। और ये हमने देखिए और एक चम्मच हम हींग पाउडर डाल देंगे। इसमें हींग का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और हमने ये 4-5 कलियां लहसुन की इसको भी हम डाल देंगे। इसको भून लेते हैं। इसको लहसुन को हल्का ब्राउन कलर का कर लेंगे। इसको चलाते रहेंगे नहीं तो बहुत जल्दी ये जल जाते हैं। जला हुआ टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। अब हमने 4-5 लाल मिर्च ली हुई है इसको भी इसमें डाल देंगे। गैस को स्लो कर लेंगे। अब तड़का देखिए हमारा भुनकर अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए ढोकली हमारी हमने कुकर से पलट लिया है और इस तरह की दिख रही है। ये
ये देखिए इस तरह की दिख रही है दाल। देखिए ढोकली भी गल गई है। अब हम इसमें जो हमने तड़का लगाया है वो इसमें डाल देते हैं। ये देखिए दाल ढोकली हमारी बनकर तैयार हो गई है। चलिए इसको हम सर्विस प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी दाल ढोकली बनकर तैयार हो गई है और कितनी अच्छी बनी हुई है और देखिए कितनी टेस्टी है। आप भी बनाकर ट्राई करिएगा। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह से नई नई वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।